हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप इंस्टाग्राम के स्टोरी में सॉन्ग लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के स्टोरी में हम अपना फोटो के साथ गाना कैसे लगा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें स्टोरी में सॉन्ग लगाना है, तो सबसे पहले हमें ऊपर में योर स्टोरी जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें स्टोरी लगाने के लिए आ जाएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, नीचे इस जो अपलोड का बटन दिया हुआ है जहाँ पे फोटो आपका रहता है वहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका गैलरी खुल जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी अपना एक पिक्चर या फोटो सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो इस तरह से हमारा यहाँ पे आ गया है। और अब यहाँ पे इस पे सॉन्ग लगाने के लिए ऊपर में आप देख सकते हैं ये एक इमोजी का आइकन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे म्यूजिक का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, म्यूजिक पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पे अपने आप ही आ जाएंगे। इसमें न्यू सॉन्ग जो भी आपको सॉन्ग लगाना है यहाँ पे ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, इसमें आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे गाने हैं। तो यहाँ से आप कोई भी गाना लगा सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे गाना है। चलिए यहाँ से हम कोई एक लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉन्ग यहाँ पे लग चुका है, मैंने आवाज म्यूट कर दिया है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से जो सॉन्ग है वो शुरू होगा और यहाँ पे ये टाइमिंग दिया हुआ है कि कितने देर के लिए ये प्ले होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे 15 सेकेंड मैक्सिमम है, 15 सेकेंड से आप कम भी कर सकते हैं, 5 सेकेंड तक। फिलहाल मैं 15 सेकेंड ही कर देता हूँ। डन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सारे जो सॉन्ग है उसके टाइटल लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हम ये जो गाना है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद ये इतना जो समय है वो गाना प्ले होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आप जो है इसे यहाँ पे ये जो इस तरह से दिखाई दे रहा है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से किस तरह से दिखाई देगा देख सकते हैं, चेंज करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा। यहाँ पे ये सॉन्ग का जो है बैनर आ गया है, ये थोड़ा बड़ा बैनर है, तो मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो इसे मैं रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में डन का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे गाना प्ले होगा, उसके साथ साथ ये जो लिखा जा रहा है वो गाने में जो चल रहा है वही लिखा जा रहा है। तो इसको हम साइड करके ऊपर अलाइन कर देते हैं, ये ऊपर में दिखाई देगा। और नीचे एक डेट आ गया है, डेट का फॉर्मेट, इसे हम डिलीट कर देते हैं। आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, गाना भी प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि नीचे सेंड टू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इस पर कुछ लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ज्ञान ट्यूब लिख देता हूँ और इसे नीचे अलाइन कर देते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इस तरह से, देख सकते हैं कितने कलर हैं। डन पे क्लिक किया और ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। देन लिखने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो कोई इमोजी भी लगा सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, अलग अलग तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं इमोजी आ गया, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देन उसके बाद नीचे सेंड टू का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, अब हमारा स्टोरी लगने के लिए तैयार हो गया है। अब ये बोल रहा है योर स्टोरी पे शेयर करने के लिए, यहाँ पे हम शेयर पे क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए शेयर पे क्लिक कर देते हैं एंड डन, ओके किया। अब ये हमारे स्टोरी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी पे लग चुका है। अब कोई भी स्टोरी पे क्लिक करेगा तो उसे गाने के साथ हमारा फोटो दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोरी है वो यहाँ पे किस तरह से लग चुका है और यहाँ पे प्ले भी हो रहा है, ये बिल्कुल सॉन्ग के साथ प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे सॉन्ग म्यूट कर दिया हूँ।
तो इसी तरह से आप इंस्टाग्राम के स्टोरी में सॉन्ग को लगा सकते हैं।